यहाँ भाई लोग भी मजे ले रहे हैं भाई पतंग उड़ाने के। कैसी है पतंग? बहुत अच्छी है। अच्छी है ना दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बनाई थी एक बहुत ही बड़े साइज की पतंग जो कि काफी कमाल के तरीके से आसमान में उड़ी भी थी, लेकिन उसे बनाने में लगी थी बहुत ही मेहनत और पैसा। तो ऐसे में सबका उसको पतंग को बना पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं दुनिया की सबसे ज्यादा सिंपल और सस्ती पतंग। और यकीन मानिए इस पतंग को आप एक मिनट से भी कम समय में बना लोगे। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई पतंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस टाइप की एक A4 शीट लेनी है, उसको बीच में से दोस्तों हमको फोल्ड कर लेना है, एकदम बराबर रखना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। कुछ इस टाइप से दोस्तों फोल्ड कर लेंगे और जब इस तरीके से फोल्ड हो जाए दोस्तों तो हमें फिर से एक बार इसको यहाँ से मोड़ना है और इस तरीके से भी फोल्ड कर लेना है। और ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको प्रेस करना है। ये जो चीज़ है दोस्तों ये कर्व ही रहनी चाहिए, इसको आपको प्रेस नहीं कर देना है यहाँ पर। उसके बाद जब आप इस कोने पर प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक निशान मिल जाएगा, फिर दोस्तों इसको हम खोल लेंगे और ये चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब सिंपली दोस्तों ये वाली जो साइड है, एक साइड आपको लेनी है इसकी पेपर की और इसको बीच वाले निशान तक ले जाकर मिला देनी है। और बीच वाले निशान पे मिलाने के बाद दोस्तों हमें वापस से एक बार इसको यहाँ से मोड़ देना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमें बढ़िया तरीके से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों एक निशान हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब सिंपली हमें अपने इस पेपर को खोलना है और उसको कुछ इस तरीके से ये ऊपर वाले निशान पर ले जाना है और इस तरीके से, और उसी सेम तरीके से दोस्तों ये दूसरा वाला भी। इन दोनों को यहाँ पर ले जाने के बाद हम सिंपली स्टेपलर लेंगे और यहाँ पर एक स्टेपल दोस्तों कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद दोस्तों इस यहाँ पर जो एक निशान मिला था और यहाँ पर ये जो बीच वाला निशान है इसके थोड़ा सा बीच में, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर हम एक और स्टेपल कर देंगे और अब सिंपली इसमें बांध देंगे दोस्तों हम धागा। और क्योंकि दोस्तों हमारी पतंग काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो हम इसे उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे सिलाई वाले धागे का। तो यहाँ पर जो हमने स्टेपल किया था इसमें हमें सिंपली धागा बांध देना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों अभी हमारी पतंग बनकर रेडी हो चुकी है उड़ने के लिए। और जैसा कि आपने देखा हमने इसे बनाने के लिए कुछ भी ऐसे सामान का इस्तेमाल नहीं किया जो कि काफ़ी महंगा हो या फिर काफ़ी मुश्किल से मिलता हो। हमने सिर्फ और सिर्फ एक A4 शीट ली है, दो जगह उसमें स्टेपल किया और उसके बाद एक ही सिलाई का धागा लिया और हमारी पतंग बनकर रेडी हो गई। तो अब थोड़ा सा हवा चलने देते हैं और फिर हम आपको ये उड़ा कर दिखाते हैं। दोस्तों अभी हमारी इस पतंग को उड़ाने के लिए एकदम परफेक्ट हवा चल रही है, तो चलिए इसको उड़ाते हैं और देखते हैं किस तरीके से उड़ती है। ये गई भाई, ये जाने लगी। ये देखिए भाई एकदम मतलब नॉर्मल पतंग की तरह ये भी हवा में आराम से जा रही है। ये देखिए कितनी दूर चली गई है ऊपर की तरफ। आवाज़ यार थोड़ा अगर गड़बड़ हो तो उसका मैनेज कर लीजिएगा, बाकी पतंग हमारी एकदम आराम से उड़ रही है। ठीक है, मैं कैमरा को उसी हिसाब से थोड़ा सेट करता रहता हूँ ताकि आपको दिखती रहे। वो देखिए वहाँ पर हमारी पतंग उड़ रही है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। भाई ये देखो आसमान भाई तनगी है, ये देखो जैसा कि आप देख सकते काफ़ी दूर तक हमारी पतंग जा चुकी है और एकदम नॉर्मल पतंग जैसे उड़ती है सेम उसी तरीके से ये पतंग भी उड़ रही है। और अगर सच बताऊं तो जैसे मतलब नॉर्मल पतंग में क्या होता है अगर हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो काफ़ी भागती है इधर उधर, और इसको अगर आप देखोगे तो भाई आसमान में तनी हुई है तो तनी रहेगी, अभी ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी पतंग वहाँ पर उड़ रही है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूर कितनी है मुझसे। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी दूरी पर हमारी पतंग वहाँ पर उड़ रही है और भाई मस्त एकदम बहुत ही आराम से तो पतंग उड़ रही है। ओह अभी तो स्टैंड गिर जाता, फोन टूटता अभी हमारा। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो अभी भी हमारी पतंग आसमान में उड़ रही है मस्त, इधर से भाई लोग उड़ा रहे हैं और यार काफ़ी मस्त उड़ती है बहुत आराम से, जैसे नॉर्मल पतंग होती है उसी तरीके से। और एक बार ये आसमान में गई तो एकदम बढ़िया से सेट हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करते जाओ ये उड़ती चली जाएगी। बहुत बढ़िया पतंग बनी है। दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है उसको उड़ाते वक्त। पहली चीज़ दोस्तों कि इसमें जो मतलब पतंग आप जब बना रहे हो तो कागज़ को कहाँ से फोल्ड करना है, कहाँ पे स्टेपलर लगाना है, उस चीज़ का ध्यान एकदम बढ़िया से रखिएगा, तभी अच्छे से वर्क करेगी। दूसरी चीज़ हवा इसके लिए थोड़ा ज़्यादा चलनी चाहिए, नॉर्मल हवा में जो पतंगें उड़ जाती हैं उस तरीके से ये नहीं उड़ पाएगी, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी पतंग हमारी मस्त बनी है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग कमाल की एक्सपेरिमेंट वीडियोज़ देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो उड़ रही है, अब तो उतार ली हमने काफ़ी, और हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।